गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो पुनः स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में। बच्चों सामने एक चित्र आप लोगों को दिख रहा है, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? वेरी गुड, बहुत सारी चिड़िया दिख रही है, पक्षी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पाठ है इन पक्षियों से ही संबंधित है। भारत के वर्डमैन के नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक सालिम अली के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है कि सांवले सपनों की याद। इसको लिखा गया है जाबिर हुसैन द्वारा। यह एक संस्मरण है, संस्मरण यानी कि अपनी यादों को जो हम लेखनी में उतारते हैं, यानी कि अपनी यादों को जो हम लिखते हैं शब्दों में, तो उसको ही हम संस्मरण बोलते हैं। तो जाबिर हुसैन जी द्वारा सालिम अली की मृत्यु के पश्चात यह पाठ लिखा गया, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। पाठ शुरू करने से पहले हम जाबिर हुसैन जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो लेखक परिचय में आज हम पढ़ते हैं जाबिर हुसैन जी के बारे में, जिन्होंने ये पाठ लिखा है सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? नालंदा बिहार। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे, यानी कि अंग्रेजी भाषा साहित्य के वो प्रोफेसर थे, शिक्षक थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति रहे। वो लेखक के साथ साथ हम जाबिर हुसैन जी के बारे में बात कर रहे हैं। जाबिर हुसैन जी एक प्राध्यापक, एक शिक्षक होने के साथ साथ वे एक लेखक थे, और उसके अलावा वो क्या थे? बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, जो बिहार से जो है विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे और बाद में सभापति भी रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीन भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं, अर्थात उन्हें तीनों भाषाओं में जो है उन्होंने लेखन का कार्य किया है और तीनों भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था। कौन कौन से? हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीवी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। ये रचनाएं उन्होंने हिंदी में की हैं। हिंदी भाषा में उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं, अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। क्योंकि वह एक साहित्यकार और एक शिक्षक तो थे ही, तो जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने जो है आम आदमी के दर्द को जो है जो महसूस किया था वो उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा। संघर्षत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। डायरी लेखन की जो विधा, ठीक है, डायरी लिखने का बहुत से लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, पूरे दिन भर में उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो महसूस किया, उसको अपनी डायरी में लिखते हैं। कहीं वो किसी घटना को अपनी डायरी में लिखने के जो है बहुत से लोगों का आदत होती है। तो इसी जो है क्रम में, इसी विधा में, इसी कला में उन्होंने जो है एक अलग प्रयोग उन्होंने किए हैं, एक अलग तरीके से उन्होंने इस कला को नया रूप देने की कोशिश की है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। जैसे ही लेखक ने जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली की मृत्यु का समाचार सुना तो वो जो है उनके याद उनको आने लगे, उनके जीवन के बारे में वो याद करने की कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया है, किस प्रकार से उन्होंने जो है पक्षियों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन यादों को याद करते हुए उन्होंने ये संस्मरण लिखा। संस्मरण यानी यादों को
लिख अपनी यादों को जो है लिखित रूप से लिखना। सालिम अली की मृत्यु के उपरांत दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। दुख उन्हें क्योंकि उनकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ, अवसाद कहते हैं दुख के लिए, ठीक है, जो दुख और उनके हृदय में था। सांवला यानी काला, काला रंग हमेशा जो है दुख का प्रतीक माना गया है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो यादें हैं मेरी ये काली काली इसलिए हुई क्योंकि अब जिनको वो याद करें, जिन वो सालिम अली को जिनको बहुत प्रेम करते थे वो अब नहीं रहे, इसलिए उनकी यादों को जो है उनके जाने के बाद जो है उनकी यादों के दुख को उन्होंने सांवले सपने कहा, ठीक है बच्चों। सालिम अली का संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र का क्या तात्पर्य हुआ? व्यक्ति चित्र का तात्पर्य हुआ बेटा कि उनके व्यक्तिगत चरित्र की जो भी विशेषताएं थी, किस प्रकार का व्यक्तित्व तो सालिम अली रखते थे, वे उन्होंने शब्दों के माध्यम से हूबहू प्रस्तुत करने का प्रयास किया, हूबहू प्रस्तुत किया, ठीक है। यानी कि जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और जो जिस प्रकार से उन्होंने जो है उनके विषय में लिखा है, ऐसा प्रतीत होगा कि सालिम अली हमारे सामने ही बैठे हैं बिल्कुल, ठीक है, हम उनको देख रहे हैं, हमारी कल्पना एकदम सजीव हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने जो है सालिम अली के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है अपनी रचना में। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। जिस भाषा का उन्होंने अपनी शैली में प्रयोग किया है, जिस प्रकार से उन्होंने सालिम अली के बारे में लिखा है, तो उनके शब्द जो है सीधे दिल को छूते हैं और हम उस दौर में चले जाते हैं जिस दौर में सालिम अली थे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना पाठ, सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत कोई खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहां संभव है। ये उस वक्त का वर्णन किया गया है जब सालिम अली इस दुनिया को छोड़ चुके थे, अपने शरीर को त्याग चुके थे। तो उन्होंने लेखक ने उसको क्या कहा है, उसको एक परिंदे के समान कहा है क्योंकि जीवन भर वह जो है पक्षियों की सेवा करते रहे, एक वर्ड वॉचर थे, वो पक्षियों के वैज्ञानिक थे, तो उनका पूरा जीवन जो है पक्षियों को समर्पित था। तो लेखक ने उन्हें भी एक पक्षी कहा, कैसा पक्षी, जिसके कैसे पंख हैं, सुनहरे पंख हैं, खूबसूरत सुनहरे पंख हैं, और अब जो है वो इस धरती को, इस जीवन को जो है छोड़ के जा रहा है, किसी और दुनिया की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई उसको रोक टोक सके ये कहाँ तक संभव है। क्योंकि जब जो है कोई भी प्राणी जो है शरीर को त्याग देता है तो उसके बाद जो है उसको रोक पाना नामुमकिन है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जब सालिम अली की सब यात्रा जा रही है तो सबसे पहले जब सालिम अली का सब आगे जा रहा है तो पीछे जो है बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे जा रही है, क्योंकि वो एक जो है एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे, लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो उनका आगे आगे उनकी सब यात्रा जारी है और उसके पीछे पीछे क्या, हुजूम का मतलब होता है बेटा भीड़, ठीक है। तो पीछे जो है आगे आगे जो है सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। सैलानी कहते हैं घूमने फिरने, टूरिस्ट जिनको कहते हैं, कि जो है ये जो यात्रा, ये अंतिम यात्रा जो सालिम अली की है उसमें सबसे आगे जो है सालिम अली हैं। किस प्रकार से, एक पर्यटक के आधार पे, एक सैलानी की तरह जो है, जैसे एक जो सैलानी होते अपना सामान अपने कंधे पे लेके जो है घूमने चल जाते, उसी प्रकार से ये क्या है अपने कंधों पे क्या लेके जा रहे हैं, अंतहीन सफ़र का बोझ। ऐसा सफ़र जिसका कोई अंत नहीं, जो उनका कौन सा सफ़र, चिड़ियों के प्रति, पक्षियों के प्रति उनका जो समर्पण था उसका अंतहीन सफ़र। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, क्योंकि वो जीवन भर जो है इधर से उधर पक्षियों की सेवा में यात्राएं करते रहते थे, यहाँ से वहाँ वनों में भटका करते थे, लेकिन आज जो यात्रा है वो दूसरी यात्राओं से भिन्न है। कैसे है भिन्न है, भीड़भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। सालिम अली अक्सर अकेले सुनसान जंगलों में जो है पक्षियों के देखने, उनके बारे में जानने के लिए जो है यात्रा करते रहते थे, लेकिन आज भी जो है वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा अलग है क्योंकि यह यात्रा जो है उनकी अंतिम यात्रा है। अब वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो।
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि अब सालिम अली जो है जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उस वन पक्षी के समान वह आज प्रतीत हो रहे हैं जो अपने आखिरी समय में जो है अपने आखिरी इच्छा जो अपना आखिरी गीत गा के जो है उस प्रकृति की गोद में जिस प्रकृति ने उसका पालन पोषण किया था वहीं जो है अपने शरीर को त्याग कर उसी में ही विलीन हो जाता है। सालिम अली भी आज उसी प्रकार प्रतीत हो रहे हैं और आज अगर कोई जो है उनके दिल की धड़कन भी दे दे और उनके जिस्म को जो है हलचल भी दे दे तो भी वो वापस नहीं आ सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा और ऐसा लगता है कि जो है अब इस सोए हुए पक्षी को कोई इतनी हिमाकत करेगा कि उसको जो है उसकी नींद से जगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह जो है एक लंबी बीमारी के बाद जो है बहुत संघर्ष उन्होंने किया क्योंकि उनको कैंसर था और लंबे समय तक लगभग 100 साल का जीवन उनका हो गया था और अपने दर्द से संघर्ष करते हुए वो निरंतर जो है अपने समाज के प्रति अपनी सेवा पक्षियों के प्रति अपना समर्पण किए हुए थे और अब जो है इस दर्द से छुटकारा पाकर वो जो है प्रकृति माँ की गोद में सोने जा रहे हैं तो कोई नहीं चाहेगा कि अब इस पक्षी को वो जगाएं। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांस का सोता फुरता महसूस कर सकता है क्या? ठीक है, सालिम अली का कहना है था कि जो है पक्षियों को इंसान अपने नज़रिए से देखते हैं, जिस तरह की जीवन शैली इंसान की है, जिस तरह की सोच उसकी है पक्षियों के प्रति, उस तरीके से कभी उसने जो है पशु पक्षियों को उनके तरीके से नहीं देखा कि वो क्या चाहते हैं, है ना। हमें कोई पक्षी बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर है, हमने उसको पिंजरे में रख लिया, क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा लगा, अपने सुख के लिए, हमारी आँखों को वो अच्छा लगा तो हमने उसको रख लिया। क्या उसके बारे में सोचा कि उसको क्या अच्छा लगता है? ईश्वर ने उसके सुंदर पंख उसके लिए दिए थे, ना कि हमारे मनोरंजन के लिए दिए थे। तो यही जो बात है सालिम अली कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति को जीव जंतुओं को हमेशा अपने नज़रिए से देखता है और उसका नज़रिया क्या है, हमेशा स्वार्थी होता है। मनुष्य हमेशा अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरी चीज़ों को देखता है, प्रकृति के अन्य प्राणियों को, प्रकृति को देखता है, ठीक है, जो कि बहुत गलत है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक कहते हैं बेटा, जैसे हम कहते हैं ना कि मिथक का तात्पर्य होता है कोई, जैसे कि हमारे मन में कोई विचार ऐसा है जिसको जो सत्य असत्य विचार हो, है ना। तो इस भावना को लेकर कहते हैं कि कोई जो है ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है जो प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देख सके, जो पक्षियों को पक्षियों के नज़रे से देख सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस असत्य को सत्य में किसने बदला? ऐसा ही एक व्यक्ति कौन है? सालिम अली, जो कि ऐसा कर सकता था, जिसने ऐसा जीवन भर करा। पता नहीं इतिहास में अब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज से बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो है वो याद करते हैं, जब वो सालिम अली के बारे में लिख रहे हैं तो वो याद करते हैं भगवान कृष्ण को भी, कि मालूम नहीं कि ये वो किसी कवि की कल्पना थी,
किसी लेखक की कल्पना थी या वास्तव में भगवान कृष्ण जो है उन्होंने जन्म लिया था, उनका अवतार हुआ था। ठीक है, ये एक जो है विद्वानों के बीच एक मतभेद का विषय रहा है। कुछ कहते हैं कि ये जो है सिर्फ कल्पना है, लेकिन ये जो भी हो वो कहते हैं कि जब भी हम वृंदावन में आज भी वृंदावन जाएं तो नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। कहते हैं अगर कोई इसको सिर्फ कल्पना भी कहता है तो भी जो है आज भी जब वृंदावन में हम जाते हैं तो लगता है मानो कृष्ण हमारे आसपास ही हैं। वो संगीतमयी वो बांसुरी की आवाज़ें जो है कानों में गूंजती हैं, कण कण में कृष्ण का एहसास वहाँ आज भी होता है, जो उस पूरे घटनाक्रम को जो कि हमने आज तक पुस्तकों में पढ़ा है सजा ही हमारे आंखों के सामने तैरने लगती हैं वो सारी चीज़ें। हर सुबह सूरज निकलने पर जब पहली पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे भीड़ को चीरता अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ के सब किसी के कदम थम जाएंगे। लेखक कहते हैं माना कि ये कल्पना ही सही भगवान कृष्ण के बारे में, किंतु आज भी जब वृंदावन जाओ और जब भीड़ जो है सुबह सुबह नदी के यमुना के किनारे जाती है तो लगता है कि कहीं से उस भीड़ को जो है चीरते हुए भगवान कृष्ण आ जाएंगे और जो है पुनः अपनी वंशी की आवाज़ से जो है सब कुछ ही थम जाएगा। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका में माली सेनानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ठीक है, लेखक ने कहा है कि जब भी जो है शाम के वक्त जो है जो वाटिका है उसका माली जो है जब सबको हिदायत देता है कि अब आप सभी लोग चले जाइए, अब जो है भगवान कृष्ण जी का विश्राम का समय, वो विश्राम के लिए यहाँ आएंगे, तो जो है उसकी बात पे अनायास ही उसकी बात पे जो है विश्वास करने का मन करता है और लगता है कि हाँ वास्तव में और एक अलग सी अनुभूति वहाँ पे होती है और लगता है कि भगवान कृष्ण वास्तव में आ गए हैं, वो हमारे आसपास ही यहाँ कहीं हैं। ठीक है, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नर जानते हैं उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। ऐसे एक मिथक जो सालिम अली उनके बारे में हम जानते हैं, लिखा है कि उम्र के शतक यानी 100 जीवन के 100 साल पूरे करने के अभी कुछ ही दिन बचे थे। ठीक है, सालिम अली के जबकि उनका देहांत हुआ। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। लेखक कहते हैं कि अपने जीवन के इतना लंबा जीवन जीने के कम लगभग 100 साल के वो होने वाले थे और साथ ही साथ एक गंभीर बीमारी से भी वो संघर्ष करते हुए आगे जो है अपना जीवन जी रहे थे। ये सब होने के बाद भी जो है सालिम अली ने जो है अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, किसके प्रति? पक्षियों के प्रति। उनके आँखों पे जो है जो शक्ति थी पक्षियों का दर्द समझने की ठीक, वो जो है उनके अंतिम क्षण तक उनके साथ बनी रही, अर्थात पक्षियों के लिए वे अपने अंतिम समय तक कार्य करते रहे। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर जो है पक्षियों की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं, पक्षियों का पीछा करते हैं, उनको कहते हैं बर्ड वाचर। तो उनके जैसा जो है कोई शायद हुआ, यहाँ पे लेखक ने कहा है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जैसा प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल हों। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया असर थी।
यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसे गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो सालिम अली थे वो प्रकृति के इतने निकट थे, प्रकृति से इतना प्रेम करते थे कि लोग जो है प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही था, प्रकृति उनके प्रति आकर्षित होती थी। उन्होंने एक अपनी ही अलग दुनिया बसाई हुई थी जहाँ वो पशु पक्षी और प्रकृति के निकट होते थे। वो पेड़ पौधों की मूक भाषा को समझते थे, वो पक्षियों की भाषा को समझने का हुनर रखते थे, और साथ ही साथ उनके इस कार्य में उनका जो है उनकी पत्नी तहमीना ने उनको बहुत मदद पहुंचाई। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे उस वक्त, जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी थे, जब सालिम अली जो है साइलेंट वैली को जो है रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के प्रस्ताव लेकर उनके पास गए। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, क्योंकि वे स्वयं एक किसान थे चौधरी चरण सिंह जी, और प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे, अतः वह प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ सकते थे, प्रकृति में होने वाले विनाश और परिवर्तनों को अच्छे से समझ सकते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखों नम कर दी, अर्थात उनको जो है वो दर्द महसूस हुआ जो सालिम अली ने बताया कि किस प्रकार से रेगिस्तानी हवाएं बढ़ेंगी और किस प्रकार से वहां रहने वाले अनेकों जो है पशु पक्षियों का जीवन जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ये सोच के ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कहते आज वो दोनों ही महान व्यक्ति नहीं रहे जो प्रकृति के प्रति सोचते थे, जो जीव जंतु और पक्षियों के प्रति सोचते थे। ठीक है, अब कौन जो है इस नवीन भारत में उनके बारे में सोचेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, डी एच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। डी एच लॉरेंस जो हैं वो भी एक वर्ड वॉचर थे, बिल्कुल सालिम अली की तरह। जिस तरह से सालिम अली ने पक्षियों के प्रति अपना जीवन समर्पित किया था, उसी प्रकार जो है डी एच लॉरेंस ने भी पक्षियों के प्रति जो है अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। उनकी पत्नी फ्रीडा से जब उनकी मृत्यु के बाद पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ कहें, तो फ्रीडा चाहती तो वो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि घर के व्यक्तियों से ज़्यादा जो है वो इतना पक्षियों को इतना प्रेम करते थे, पक्षियों के बारे में इतना जानते थे, इतना समझते थे कि उनकी पत्नी कहती कि मुझसे ज़्यादा जो है मेरी घर की जो गौरैया है वो उनके बारे में आपको बता सकती, इतना योगदान उन्होंने इस जो है पक्षियों के ले दिया अपना। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ये शब्द थे फ्रीडा के, जो कि पक्षी वैज्ञानिक लॉरेंस की पत्नी थी। अब लॉरेंस की मृत्यु के बाद उन्होंने ये इंटरव्यू जो है दिया था, और उसमें उन्होंने कहा कि वो किस प्रकार से पक्षियों की सेवा करते थे कि उनके बारे में मेरा कुछ लिख पाना नामुमकिन है, मुझसे बेहतर जो है उनको मेरी छत पे बैठने वाली गौरैया समझ सकती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही।
जिंदगी के ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। वास्तव में पक्षी प्रेमी बनने के पीछे उनकी एक घटना थी। जब छोटे थे सालिम अली, तो छोटे बच्चा जो है अपनी एयरगन से खेल रहा था और गलती से जो है उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई। छोटे सालिम अली ने बहुत कोशिश की उस गौरैया को बचाने की, लेकिन उस गौरैया ने उनके हाथों में ही जो है दम तोड़ दिया। इस घटना से वो छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा विचलित हो गया और उस बच्चे ने उस वक्त जो है संकल्प किया कि वो सारा जीवन जो है पशु इन पक्षियों की सेवा में बिताएगा, इनका जीवन सुधारने में बिताएगा, इनके लिए जिएगा। और इसी एक सोच ने उनको जो है भारत का वर्ल्ड मैन बनाया, एक महान पक्षी वैज्ञानिक बनाया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, और जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना, ठीक है। अंत की पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि जो है सालिम अली जो है किसी टापू की तरह नहीं थे। टापू कहते हैं ना, मिट्टी का छोटा सा जगह, टापू के एक सीमित सीमाएं होंगी, लेकिन समुद्र क्या है? सालिम अली को समुद्र कहा गया है। समुद्र अथाह होता है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं, कोई छोर ही नहीं है, जिसका बहुत दूर तक फैला हुआ। उनका व्यक्तित्व तो इसी प्रकार से था, विस्तृत, दूर तक फैला हुआ, जिसके लोग जो है कभी समझ ही नहीं, समेट ही नहीं पाए। इस प्रकार का व्यक्तित्व तो उनका था। और ये लास्ट में जो है जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि सालिम अली गए नहीं, वो कहाँ मिलेंगे? किसी पक्षी के घोंसले में, किसी पक्षी के साथ मिलेंगे। और मुझे लगता है आज भी जो है अपनी दूरबीन लटकाए वो कहीं किसी पक्षी के साथ जो है किसी डाल पे बैठे होंगे या किसी घोरंदे में बैठे होंगे। और अंत में वो जो कहते हैं कि मेरी आँखें नम हैं, और वो कहते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, मुझे ऐसा विश्वास है कि तुम कहीं से लौट आओगे। तो ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर जो है आप लोगों को लिखने हैं अपने अभ्यास, जो आपकी पुस्तिका है, जो आपकी नोटबुक है हिंदी की, उसमें ये प्रश्न आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो जो बचपन में उनकी एयरगन से जो है जो घटना हुई थी कि एक गौरैया जो है नीले कंठ की गौरैया घायल हो गई थी, उस वाली घटना को आप यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है आपका कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का लिए चित्र खींचा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? तो यहाँ पे जो केरल की साइलेंट वैली का जो उन्होंने वर्णन किया था उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा अधिक जानती है? क्योंकि जो है लॉरेंस जो है प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे और पक्षियों के प्रति जो उनका जीवन समर्पित था, इस प्रकार से जो है फ्रीडा ने के बारे में ऐसा कहा। ये आशय स्पष्ट करना है। पहला है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, ठीक है। इसका जो है क्या करना है, अर्थ हमको लिखना है। वो दूसरा है यहाँ पे, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गाएगा? यहाँ पे भी आपको इसका जो है अर्थ लिखना है कि जब जो है कोई भी प्राणी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके उपरांत आप अनेकों अनेक प्रयास भी कर लीजिए, लेकिन पुनः उसको जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर थे, अर्थात उनका व्यक्तित्व जो ऐसा था कि जो है सीमित नहीं था, अथाह समुद्र के समान अथाह फैला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये लिखेंगे। इन प्रश्नों के जो है वर्कशीट में आपको ये प्रश्न दे दिए जाएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।